नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा प्रदेश महासचिव सैयद नाजिम अली ने कहा कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन करें। सैयद नाजिम अली ने कहा कि 24 और 25 फरवरी को गुजरात अहमदाबाद में दुनिया में फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम किया था, तब से अब तक देश में कोरोना फैल रहा है। अब जब भारत में कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन करने आ रहे हैं, जो कि देश के लिए खतरा है, क्योंकि नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम का नतीजा भारत की जनता आज तक कोरोना के रूप में झेल रही है। उनके यहाँ आकर भूमि पूजन प्रोग्राम करने से बीमारी फैल सकती है, इसके लिए उनका यहाँ आना अशुभ माना जाएगा। सैयद नाजिम अली ने कहा कि अयोध्या में जो भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री दिल्ली से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, वो भूमि पूजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आसानी से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बचपन से भगवा वस्त्र पहनकर और राम नाम जप कर उत्तर प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। भाजपा के लोग जगह जगह मंच लगाकर मुख्यमंत्री को राम भक्त बताते हैं। अगर मुख्यमंत्री अयोध्या में भूमि पूजन करेंगे तो उत्तर प्रदेश के राम भक्तों से ज्यादा खुशी होगी और कोरोना भी फैलने से रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर कमेटी को अपना फैसला बदलते हुए मुख्यमंत्री से ही भूमि पूजन करवा लेना चाहिए। देखिए, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या में भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये काम अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, असल में क्यों नहीं आने चाहिए एक सवाल पैदा होता है कि जब मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं आने चाहिए तो एक सवाल पैदा होता है, वो इसलिए कि इसलिए नहीं आने चाहिए कि अब उन्होंने 24 और 25 फरवरी को एक प्रोग्राम किया था नमस्ते ट्रंप, जब पूरे दुनिया भर में कोरोना फैल रहा था, उस बीच एक प्रोग्राम किया जाता है भारत के अंदर नमस्ते ट्रंप। जिस प्रोग्राम के बाद से भारत के अंदर कोरोना बड़ी बुरी तरीके से यहाँ कोरोना फैलने लगा और यहाँ बहुत बुरा हाल हो गया। अभी तक हम उस हाल को झेल रहे हैं, अभी तक हम लोग परेशान हैं, अभी तक देश की जनता बहुत परेशान है कोरोना को लेकर। कोरोना के लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वो साहब, प्रधानमंत्री साहब की जिम्मेदारी है कि वो देश के बारे में सोचें, लेकिन नहीं, अब वो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आएंगे, भूमि पूजन करेंगे। जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे भी कुछ भीड़ जमा होगी, यहाँ पे भी लोग आएंगे। अब क्या होगा कि एक डर है कि कहीं यहाँ पे भी कोरोना ना फैल जाए, तो ऐसे प्रोग्राम में जाने की क्या ज़रूरत है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस काम को कर सकते हैं। वो स्टार्टिंग से उन्होंने भगवा वस्त्र पहने हैं, खुद को राम भक्त बताते हैं, उनका दावा है कि वो राम भक्त हैं और पूरी ज़िंदगी उनकी इसी तरीके से गुजरी है, खुद को राम भक्त बताते हुए। तो क्या वो ये काम नहीं कर सकते? क्या कमेटी उनके लिए नहीं चुन सकती? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ राम जन्मभूमि पूजन नहीं कर सकते? ठीक है, कोर्ट का फैसला आ गया है, हमें कोई राम ये जन्मभूमि पूजन, ये जो राम जन्मभूमि पूजन होना है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों करेंगे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमें डर है कि अगर वहाँ से दिल्ली से यहाँ आने की ज़रूरत क्या है? योगी आदित्यनाथ जी बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं। असल में अगर यहाँ आके प्रधानमंत्री जी के आने से अगर ये कोरोना फैल गया तो फिर कितना मतलब ये अशुभ माना जाएगा ना, देश के लिए अशुभ है। एक नमस्ते ट्रंप देश के लिए अशुभ रहा, तो एक डर है जहन में कि कहीं यहाँ बीमारी ना फैल जाए। बेहतर है कि योगी आदित्यनाथ जी के लिए चुने वहाँ की कमेटी, योगी आदित्यनाथ जी में क्या बुराई है ये भी बता दे, जो उनके लिए सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए ना। उनका तो दावा भी है कि वो राम भक्त हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी भगवा चोला पहन के उन्होंने ज़िंदगी गुजार दी, शादी नहीं किए, तो कहीं ना कहीं ये काम बहुत अच्छे से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कर सकते हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी जी को आने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम उनका रद्द होना चाहिए।